नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र जायसवाल और ट्रेवलर सुपरस्टार के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं भीतगढ़। यहां पहुंच गए हम लोग, आसपास का नज़ारा दिखाता हूं। ये भीतगढ़ के आसपास के एरिया। ये है तो अभी ये वाले रास्ते से हम लोग आए हैं और ये इसका प्रवेश द्वार है और आगे चल के देखते हैं फिर आगे की ओर भीतगढ़ को ऊपर से देखते हैं और दर्शन करते हैं। इसको लेकिन अच्छा किया है ये वाला ना। पेड़ लगाए हैं। हाँ हाँ, तो ये इस तरीके से बना हुआ है और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़ोरदार जगह है यार ये, दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ का एक नज़ारा, देख के खुश हो जाएंगे आप भी। ये देखिए, ये इसका गेट है, यहाँ से हम लोग आए हैं और देखिए इसके आसपास के एरिया कितना सुंदर दिख रहा है। ये शंकर भगवान की बड़ी सी मूर्ति, जय भगवान, और उस ओर है बजरंग बली की मूर्ति। अब बीच में है मंदिर। और इसके आसपास के इधर के देखे नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर जगह भीतगढ़। वाह, ग्रेट। यह जो भीतगढ़ जो जगह है वह जसपुर के बगीचा ब्लॉक में स्थित है और बगीचा मुख्यालय से 12-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक भव्य और सुंदर जगह है। आइए हम लोग और मंदिर को पास से देखते हैं और इधर आसपास में क्या है उसे भी देखते हैं। पुजारी जी को भेजे थे, नीचे तरफ जा रहे थे तो नारियल लेने के लिए, और लेके आ गए मेरे ख्याल से। वो मिलिस का नारियल? हाँ, खोल दे वो तो। और ये सामने में मंदिर है तो पंडित जी अभी खोलेंगे मंदिर का दरवाज़ा और देखते फिर अंदर से मंदिर को। तो मंदिर का दरवाज़ा खुल गया है, आइए देखते हैं। यहाँ शंकर भगवान का मंदिर लग रहा है, भोलेनाथ का। उसमें है वही मंदिर अंदर में था पहले। अच्छा, पहले इसमें मंदिर था? ये वाला नहीं, मंदिर के अंदर में वही था। हाँ, तो जो उनका मोहलत पूरा हो गया उसके बाद में बोला कि मंदिर को बनवाऊंगा, आज मिस्त्री लोग का जूता चप्पल लगेगा साइड में कर दो करके बोले, तो उसी को साइड में किए हैं। तो कौन बनवाया फिर मंदिर को? मंदिर को अरविंद गुप्ता। वो भीतगढ़ में बिल्डिंग है ना। हाँ हाँ, उधर से आ रहे थे तो देखे था। हाँ, वही वाला बनवाया है। हाँ हाँ, जो उनका जो मांग था वो पूरा हो गया तो खुशी से बनवाने लगे। तो हाँ, बढ़िया जगह है तो। हाँ, हम लोग भी इसी गांव के हैं, शुरुआत से हम ही लोग शुरुआत किए, उसके बाद में वो लोग
मंदिर का शुरू करवाए बनवाने के लिए। हाँ। तो पंडित उंडित नहीं रखे हैं, कोई पंडित रख देंगे तो किसी का नारियल चढ़ाएगा तो 551 बोलेगा तो बदनाम आएगा, करके नहीं रखे हैं अभी तक पंडित। तो देख रहे आप लोग करते हैं? हाँ हम ही लोग करते हैं सुबह शाम, कोई आते जाते हैं तो दिन भर हम ही लोग देखते हैं। ठीक तो है, हम लोग उसमें जुड़े हैं ज्ञानेश्वर सेवा समिति में। हाँ बाबा धाम उसमें जुड़े हैं बहुत साल से। अच्छा, महाशिवरात्रि सब में ज्यादा भीड़ रहता होगा? हाँ, कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन खुड़िया रानी में लगता है उसी दिन मेला लगता है इसमें भी। अच्छा ठीक है, उद्घाटन समय में ही वृंदावन से महाराज लोग आए थे। ठीक है, फिर सावन में भी आए थे वही लोग 5 आदमी। रुद्राभिषेक करवाए 7 दिन के। मंदिर के अंदर भी शंकर भगवान था ऐसे बोल रहे हैं पंडित जी, बनने के बाद अलग कर दिया। यह जगह ऊंचाई में स्थित होने के कारण इतना प्यारा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ आसपास का एरिया कि क्या बताएं। मतलब एक बार विजिट करने योग्य जगह है, बहुत ही सुंदर जगह। और मंदिर के पीछे तरफ भी वैसे ही नज़ारा है जैसे अभी हम लोग इस तरफ देख रहे थे, बहुत सुंदर जगह। तो ये था अपना भीतघरा का सफ़र, और बहुत ही सुंदर जगह, एक बार ज़रूर देखने लायक जगह है, ज़रूर आइए।